दरभंगा में पारस अस्पताल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी। पुलिस की लाठी से कई लोग घायल भी हो गए। जवाब में प्रदर्शनकारी ने भी पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने भी सभी प्रदर्शनकारी को खदेड़ दिया। प्रदर्शनकारी पारस अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए पारस अस्पताल को बंद करने की मांग कर रहे थे और देर रात से ही हंगामा कर रहे थे। आज सुबह से ही आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम कर अस्पताल में भी तोड़फाड़ की। घंटों मशक्कत के बाद जब लोग नहीं माने तब पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। बालूभो की सड़क दुर्घटना में घायल एक दवा कंपनी के मैनेजर जितेंद्र कुमार ठाकुर का इलाज पारस अस्पताल में किया जा रहा था। लोगों की माने तो उचित इलाज नहीं होने के कारण जितेंद्र कुमार ठाकुर की मौत हो गई और लोगों ने पारस अस्पताल पर कई तरह के इलाज की लापरवाही के आरोप लगाते हुए पहले रात में हंगामा किया, फिर सुबह होते ही सैकड़ों मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अस्पताल पहुंचकर पहले तोड़फोड़ की और दरभंगा लहरिया मुख्य पथ को जाम कर पारस अस्पताल को सील करने की मांग के साथ मृतक परिवार को उचित मुआवजे की मांग कर रहे थे। हालात धीरे धीरे बिगड़ते गए। माहौल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हो गए। कई बार पुलिस और प्रशासन के अधिकारी प्रदर्शनकारियों से वार्ता की, लेकिन सफल वार्ता नहीं होने से जिसके बाद पुलिस ने सड़क पर जमकर हटाने के लिए आखिरकार लाठियां भाजना शुरू कर दी। दिक्कत हो रही थी, परिवारजन को कोई इससे मतलब नहीं था। वो बेचारे अपना डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करा के अपना ले गए, लेकिन उनके सुख चिंतक लोग रोड पर अनावश्यक रूप से उपद्रव कर रहे थे। उनको समझाया बुझाया गया, उनके साथ सिंपैथी भी हम लोगों ने दिखाया कि भाई जो भी हुआ गलत है, लेकिन इसका फायदा उठा करके वो लोग उपद्रव करने लगे। रोड़ा पत्थर भी थोड़ा बहुत फेंका गया उन लोग की तरफ से, इसलिए उन्हें हल्का बल प्रयोग करके रास्ता जाम खाली कराया गया। रास्ता खाली कराया गया, वो लोग अपना भी चले गए।